गाइज कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइज मेरा नाम है समीर खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल माइंड सपोर्ट। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोको C31 डिवाइस के अंदर हम किस प्रकार से जो गाइज हमारे फ़ोन के अंदर हम स्क्रीन शॉट टेक कर सकते हैं। तो गाइज वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। सिंपल सिंपल से स्टेप्स मैंने आपको बताया है कि कैसे आप अपने फ़ोन के अंदर स्क्रीन शॉट टेक कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले ही प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो गाइज स्क्रीनशॉट टेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा गाइज? सबसे पहला जो सिंपल तरीका रहता है वो गाइज वो रहता है पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को आपको एक साथ प्रेस करना रहता है और आप स्क्रीनशॉट टेक कर पाते हैं। ओके गाइज, अब अगर गाइज हम लॉन्ग स्क्रीनशॉट टेक करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो गाइज यहाँ पे हम सेटिंग के लेआउट में आ चुके हैं। सेटिंग का लेआउट के अंदर आने के बाद गाइज यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट टेक करते हैं पहले, और स्क्रॉल का ऑप्शन आता है, स्क्रॉल पर हम क्लिक करेंगे। तो गाइज ये हमारा जो क्रिएटिंग स्क्रीनशॉट हो रहा है, जितना लॉन्ग चाहिए आप उतना लॉन्ग ले सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर डन करते हैं। इतना डन करने के बाद गाइज ये प्रोसेसिंग चल रही है और ये हमारा स्क्रीनशॉट टेक हो चुका है। चाहे तो इसको मैं क्रॉप कर सकता हूँ, इस पर कुछ भी लिख सकता हूँ, इसको शेयर कर सकता हूँ या फिर मैं इसको यहाँ से सेव भी कर सकता हूँ। तो गाइज मैं इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ। तो गाइज ये स्क्रीनशॉट लेने का तरीका हो गया, एक तो बटन के साथ, साथ ही साथ लॉन्ग स्क्रीनशॉट के साथ। तो गाइज इसके अंदर आपको 3 फिंगर स्वाइप डाउन भी स्क्रीनशॉट देखने को मिलता है, आप ऐसे भी स्क्रीनशॉट टेक कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप ऐसे टेक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, स्क्रॉल करके आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट यहाँ से भी टेक कर सकते हैं। ओके, तो गाइज ये भी एक तरीका है। तो गाइज ये जो तरीका है 3 फिंगर स्क्रीनशॉट वाला, इसको हम देख लेते हैं कि आप कैसे इनेबल करेंगे। आपको गाइज सिंपल तरीके से गाइज अपने फ़ोन की एडिशनल सेटिंग के अंदर आना है, ठीक है, और बटन शॉर्टकट पर जाना है। गाइज ऐसी शॉर्टकट पर जाने के बाद टेक स्क्रीनशॉट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है स्लाइड 3 फिंगर्स डाउन, इसको गाइज आप चेंज कर सकते हैं। लॉन्ग प्रेस द होम बटन पर क्लिक करेंगे तो गाइज आपका जो होम बटन रहता है उस पर गाइज स्क्रीनशॉट टेक कर पाएंगे। लॉन्ग प्रेस द मेन्यू बटन, तो गाइज पहले हम लॉन्ग प्रेस द होम बटन करेंगे। तो गाइज स्विच टू बटन पर क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे हमको, लॉन्ग प्रेस टू होम बटन। तो गाइज ऐसे आप होम रखेंगे तो स्क्रीनशॉट टेक हो जाएगा। लॉन्ग प्रेस द मेन्यू बटन, तो गाइज इसको हम रिप्लेस करते हैं। तो गाइज आपका जो मेन्यू बटन है उससे भी शायद ये स्क्रीनशॉट टेक हो जाएगा, नहीं हुआ बट कैसे होगा। ओके, ऐसे भी नहीं होता मेन्यू बटन, आई थिंक गाइज मेरे को इसमें समझ नहीं आ रहा कौन सा है, बट इसको हम चेंज कर सकते हैं। लॉन्ग प्रेस द मेन्यू बटन कौन सा, आई डोंट नो। तो गाइज इसको हम करते हैं लॉन्ग प्रेस द बैक बटन। तो गाइज अगर हम बैक बटन को प्रेस रखेंगे तो ये स्क्रीनशॉट टेक हो जाता है। पावर प्लस होम, यहाँ पे 2 बटन दबाने पड़ेंगे आपको, मतलब बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, आप कोई भी सिलेक्ट रखेंगे। बट मेरे हिसाब से 3 फिंगर स्वाइप डाउन वाला फीचर सबसे अच्छा है, जिसमें आप ऐसे स्क्रीनशॉट टेक कर सकते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो कर दो वीडियो को लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।